को लिए चलते हैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो आपके समक्ष अपनी बात आज रखेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये सबके, ये चोरी सबके सामने हो रही है, इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। वील हैव वन बाय वन। वील स्टार्ट विद पीटीआई संजीव सिंह। इस तरह आई नोटेड, दिस इज प्लीज बी क्लियर, दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट द फार्मर्स इश्यू एंड द मर्डर दैट हैज टेकन प्लेस इन उत्तर प्रदेश। आई वुड रेकमेंड दैट यू डोंट ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट दैट। आई एम हियर to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. It is, as I said, a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance, because the government does not realize or understand the power of the farmers, and they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. Yes. हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम तीन लोग जा रहे हैं, सेक्शन 144 पांच लोगों को रोकता है, तीन लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था, तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मेरा सवाल ये है कि
मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं, हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। राहुल जी, कल आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से पहुंचे थे, लखनऊ वहां रोक दिया गया, अब आप लोगों ने जाने के लिए तय किया है, आपको लगता है कि वो अनुमति देंगे? क्योंकि अनुमति से तो इनकार कर दिया है वहां की सरकार ने, और दूसरी ओर आप लोग आरोप लगा रहे कि सरकार साजिश रच रही है और बीजेपी विपक्ष पे आरोप लगा रही है, विपक्ष के साथ राजनीति। देखिए ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है, देखिए हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।